मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं। तू ही बनाए वीडियो। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के निजामुद्दीन से एक हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आ रही है, जिस पर बात करना लाजमी हो चला है, क्योंकि जो तस्वीरें, जो विजुअल हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जो स्थानीय लोगों का दर्द है वो जब सामने आ रहा है, उसके ऊपर बात करना हमारा लाजमी हो जाता है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि आपकी आवाज को मेन स्ट्रीम मीडिया उठाए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को बिल्कुल भी दिखाने वाला नहीं है। तो चलिए इस पर ज्यादा ना बात करके पहले जान लेते हैं स्थानीय लोगों के जरिए कि उन लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। दिल्ली के निजामुद्दीन की लाल मस्जिद में इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यह है लाल मस्जिद। अभी शाम को यहाँ पे इस पर कब्जा कर लिया गया था। अच्छा, नहीं मैं थे बात करता हूँ। हाँ, CBI हेडक्वार्टर के बराबर में ही है। और इस पर चौड़ तरफ से तारबंदी सब काटी है। ये तारबंदी थी और पर्दा था हरा वाला, रात में ये खत्म कर देते थे। मैंने कहा, कहने के था वो, मैं आया तो एडिशनल SHO मौजूद था। मैंने उससे पूछा, कहने के साहब कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके एडिशनल SHO निजामुद्दीन ये होगा। तब मैंने ACP को मौके पर बुलाया। ACP ने आके देखा, वो एक बोलता मस्जिद कैसे हो जाएगी। उसने आकर के कहा कि नहीं, मैं और ये मस्जिद अदालत का स्टेशन ठीक है, जो भी इसमें हमारी कोई गिरा नहीं है।
परसों तरसों की बात है ना? नहीं, और कुछ वक्त पहले भी शायद पिछले साल भी हुआ था जब तो हम नहीं थे वक्त। ठीक है, उस वक्त में हम लोग कोर्ट में किया था। ठीक है, अभी इन्होंने परसों रात में किया था। परसों रात में मैंने एसीपी से बात की थी, तो एसीपी से बात की, मेरी कमिश्नर से बात की, तो इन लोगों ने कह दिया था कि मौके पर हमारे अधिकारी भी आए थे। ठीक है, उसको भेजा था सारी चीज़ें। ठीक है, इन्होंने अंदर आना ही बिल्कुल मस्जिद के चारों तरफ जब दादाजी शायद कर दी थी, कुछ बता रहा है कि मुझे अंदर जब भी नहीं जाने दिया था, जब असल में कब्रिस्तान में नहीं जाने दे रहे थे, जब मस्जिद तो आज़ाद थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? ये तारबंदी कर दी, ये ऐसे किया। अब इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ से हटा करके इसे यहाँ ले आए। अच्छा, पहले कब्रिस्तान की तारबंदी थी। कितना गज में है कब्रिस्तान? और ये जो कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ, ये क्या है? इसके स्टे फॉर उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये काफ़ी सालों से इस मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे आज यहाँ मामला हुआ क्या था। यहाँ पे तकरीबन 4 बजे के करीब ये पुलिस वालों ने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी जी का रूट है और वो आने वाले हैं, और आप लोगों को जो है सिक्योरिटी रीज़न से यहाँ से निकलना पड़ेगा मस्जिद से, और यहाँ से मस्जिद से इमाम को और लोगों को निकाल के और इन्होंने यहाँ पुलिस तैनात कर दी, जिसके तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ से मोदी साहब निकल गए। उसके बाद इन्होंने फिर जो है तारबंदी शुरू कर दी और यहाँ पे हरे वाले पर्दे लगा करके और मस्जिद का पूरा प्रांगण जो है इन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया, और ना तो इन्होंने यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने दी ना ईशा की अज़ान होने दी। जब ये सब कुछ बराबर होता रहा, हम देखते रहे, तो फिर ये चीज़ मेरे को यहाँ के लोगों ने बताई। फिर मेरा लाजपत नगर से यहाँ गुजर हो रहा था, मैंने देखा ये तारबंदी हुई हुई है, तो मैंने अमानतुल्लाह भाई को इस बात की इतला दी, और कुछ और एडवोकेट्स थे सुफियान भाई वगैरह, इन सबको मैंने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अमानत भाई जो है वो फ़ौरन यहाँ आए और उन्होंने आके CRPF को कब्ज़ा हटाया और मस्जिद को आज़ाद कराया, क्योंकि ये मस्जिद वफ बोर्ड की खसर नंबर 360-361 जो है वफ की ज़मीन है, ये 18 बीघे कुछ बीसवा ज़मीन है, और इसका पूरा स्टेटस जो है वफ का है, जिसमें हाई कोर्ट का भी स्टेटस को 2014 से चलता आ रहा है, और एक खाली इस मस्जिद को लेकर के भी एक पटिशन, एक जो है अपील फाइल हुई है, जिसका साकेत कोर्ट से स्टे, वो स्टे होने के बावजूद भी इन लोगों ने इसका पोजीशन लिया, जो कि गलत और नाजायज़ था। अभी क्या हालत? अभी की हालत ये है कि अब तो मस्जिद आज़ाद करा दी है अमानत भाई ने, और अब उसके ऊपर आगे की ये उनकी कोशिश चल रही है कि जिन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इसके खिलाफ़ FIR कराई जाए, और जो अहले इस्लाम की ज़मीन है वो दोबारा से अहले इस्लाम के अंडर में आनी चाहिए, जिसमें कि कब्रिस्तान है और मस्जिद। सही, बाकी की आगे जानकारी हम लेते रहेंगे। हो गया, जरा लाइट दिखाओ भाई, लाइट दिखाओ, लाइट कराओ, लाइट जलाओ जरा लाइट। एक मिनट, आप सब चुप। अभी मैं लाल मस्जिद पर हूँ, लाल मस्जिद निज़ामुद्दीन पे। यहाँ CRPF ने पुलिस की निगरानी में इस मस्जिद को अभी कब्जे में लिया है। मैं यहाँ मोर्चे पर आया तो मैंने देखा, हाँ वाकई इन्होंने कब्जा कर लिया है, और ये कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, और ज़बरदस्ती ऐसे पहले कब्रिस्तान इन लोगों ने कब्जे में किया और अब ये मस्जिद को कब्जे में कर रहे हैं। नमाजियों को जो मगरिब में ना नमाज इन्होंने होने दी ना ईशा में नमाज होने दी। अब मैं मौके पे यहाँ पहुँचाऊँ तो मैंने देखा तो वाकई ये लोग कब्जा कर रहे हैं। मेरी आवाम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निज़ामुद्दीन पहुँचें, और इसी तरह से अगर हमारी मस्जिद या कब्रिस्तान कब्जा होते रहे तो बढ़िया नहीं है, बेहतर नहीं है। तो आवाम से अपील है कि यहाँ पर तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के निज़ामुद्दीन में CRPF के जवानों ने डेरा डाल लिया है, और वहां पर अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक नेता और तमाम मुस्लिम तंजीमें
तमाम मुस्लिम संगठन जो लगातार वक्फ के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि कैसे सरकार वक्फ की जमीनों को हड़प रही है और इस घटना के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, तो उन्हें उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगे तो समझ जाइएगा कि देश में चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, 2019 का लोकसभा चुनाव हम लोगों के करीब है, जिसमें हर वो घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसके दम पर फसाद पैदा कराए जा सकते हैं और उसी के दम पर अपनी राजनीति को चमका करके फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को मैं आपसे रूबरू कराता रहूंगा। शुक्रिया।